अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद अफरान और आप देख रहे हैं मल्टी स्टेशन टेक। आज है जनाब फूड कॉर्नर। तो आज हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं करेले, और वो भी जो है वो कड़वाहट से पाक। कड़वे करेले किसी को भी पसंद नहीं है, तो आज हम बनाने जा रहे हैं जी करेले। इसकी कड़वाहट ख़त्म करेंगे एक नए तरीके से। तो मेरे साथ ही रहिए, देखते हैं इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। ये करेले, मैंने 1 किलो करेले काट लिए हैं छोटे छोटे पीसेस में, ठीक है। ये टमाटर हैं, टमाटर मैंने तकरीबन इसमें आधा किलो से ज़्यादा 1 किलो में डाले हैं। तो ये आधा किलो जो है वो प्याज है, टमाटर भी मैंने छोटे छोटे काट लिए हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो हरी मिर्च भी है, ठीक है जी। बाकी जो है वो मसाले जो हैं वो बाद में आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे जी कि इसको करेलों को जो है पानी में उबालेंगे, ठीक है, एक जोश दिलाएंगे, उसके बाद जो है वो छानेंगे। तो पहले जोश दिलाते हैं, फिर जो है वो आगे हम करते हैं। ये हमने जो है वो उबालने के लिए रख दिए हैं, अभी इसको जोश आएगा, ठीक है। ये देखें, जब इसको एक दो जोश आ जाए सही, तो फिर हमने इसको निकाल लेना है, ठीक है। इस पर पानी खुश कर लेना है। आज नए तरीके से जो है वो आपको करेले पकाने का तरीका सिखा रहा हूँ। ये अब जोश आने लग गया है, ये आप देख सकते हैं, एक दो जोश जो है वो देने के बाद जो है वो हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। ये देखें, ये अब फुल जोश आ गया करेलों में, अब हम इसको जो है वो निकालेंगे। ये भी हम निकालने लगे हैं इसको, देखें ये सारे हमने डाल लिए हैं। इसका सारा पानी जो है वो निचड़ जाए, फिर इसको जो है वो खुले बर्तन में डालेंगे ताकि ये थोड़े से ठंडे करेंगे। ये भी हम खुले बर्तन में इसको निकालने लगे हैं ताकि ये ठंडे हो जाएं, ठीक है। इसको पंखे के आगे रखेंगे थोड़ी देर के लिए, ये ठंडे जब होंगे तो फिर आगे जो है वो दिखाते हैं आपको आगे क्या करना है, ठीक है। ऐसे फैला दें, पंखे के नीचे थोड़ी देर रखेंगे, ये ठंडे हो जाएंगे। ये भी हमारे जो है वो हो गए थे ठंडे, अब हम इसका पानी जो है वो निकालेंगे, ठीक है जी। तो देखिए कैसे जो है वो, ये आपने ऐसे जो है ना, ये आपने निचोड़ना है, ये देखें किस तरह पानी निकल रहा है, ठीक है। सारा पानी आपने ड्राई करना, ये ऐसे, ये देखें, सारा पानी ऐसे अपने ड्राई कर लेना। ये भी हमारा ऑयल गर्म हो गया, अब इसके अंदर हम जो है वो ये डालेंगे, ठीक है। इसको 5 से 10 मिनट तक फ्राई करेंगे। ये नॉन स्टिक पैन है, यार गर्म हो रहा। इसको आपने 5 से 10 मिनट तक करना है फ्राई, ठीक है। इसका जो है वो पानी अच्छे तरीके से निकल जाए, फिर जो है वो इसको ड्रेन आउट करना है। आप देख सकते हैं अभी ये फ्राई हो रहे हैं, लेकिन 5 से 7 मिनट इसको फ्राई करेंगे, फिर निकाल लेंगे, बाद जो है वो फिर हम प्याज को ब्राउन करेंगे। ये हमने फ्राई करके निकाल लिया, देख सकते हैं आप, ठीक है जी। ये सॉफ्ट सॉफ्ट से वो हो गए हैं, ना इतने ज़्यादा जो है वो, ये हमने फ्राई किए हैं, बस हिसाब से जो है वो फ्राई किए हैं,
चार से 10 मिनट तक हमने फ्राई किया इनको। ये हमारा प्याज ब्राउन हो गया जी, अब हम इसके अंदर डाल लेंगे टमाटर। ये हमने डाल दिए टमाटर इसके अंदर। इसको हम भूनते हैं अच्छी तरीके से। ये देख सकते हैं पूरा ज़बरदस्त लग रहे हैं, क्योंकि प्याज और टमाटर जो है वो बड़े ज़रूरी हैं करेलों में, और इसके बगैर जो है वो मज़ा भी नहीं आता, मज़ेदार करेले नहीं बनते। तो ये हम तक भूनते हैं फिर इसको आगे देखते हैं। ये आप कलर देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है। ये अब प्याज टमाटर हो गए ब्राउन, अब हम इसके अंदर डालेंगे ये सारा जो है वो 1 से 1.5 चम्मच हल्दी है, 2 चम्मच जो है वो लाल मिर्च है, धनिया है 1 चम्मच, और हसबे जायका नमक आप 1 से 1.5 चम्मच। ये हम डालते हैं इसके अंदर सब कुछ। थोड़ी देर हम भूनेंगे फिर इसके अंदर जो है वो हम आलू डालेंगे। वो वैसे आलू मैंने उबाल लिए हैं, उनके भी आपको दिखाता हूँ। ये मैंने थोड़े से आलू जो है वो उबाल लिए हैं, आप देख सकते हैं इधर हो गए। ये भी अभी डालेंगे इसके अंदर। ये हमने इसके अंदर आलू भी डाल दिए हैं, करेले जो है वो एंड पे डालेंगे। ये मैंने थोड़े से उबाल लिए थे ताकि जो वो मेरे सॉफ्ट हो जाए। ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर है। ऐसे मेरे हाथ में जो है वो जायका बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब तक ये आलू फ्राई होते हैं फिर इसके अंदर जो वो डालते हैं करेले थोड़ी सी देर में। ये 5 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे, आलू जो है वो सही में मसाले जो है वो चले जाएं। ये आलू हमारे तकरीबन फ्राई हो चुके हैं, अभी हम इसके अंदर जो है वो करेले डालेंगे। वो बहुत ज़बरदस्त कलर आ रहा है, ये देखें। अभी हम ये हमारे आलू फ्राई हो गए, अब इसके अंदर हम करेले शामिल करेंगे। ये सारे सारे हम डाल दिए, देख सकते हैं। इनको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत ही टेस्टी बने हैं ये। आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये वाला तरीका कैसा रहा है। इसकी कड़वाहट का भी बताइएगा। ये जो मैंने उबाल के जो है वो तरीका आपको सिखाया है, हो सकता है बीच में एक आध चीज़ मिस हो गई, वो वीडियो ख़राब हो गई है। तो ये जो करेले जो है ना उबाल के थोड़े से 3 से 4 मिनट फिर इसको जो है वो ठंडा करना है, और उसके बाद जो है वो आपने निचोड़ लेना, उसका सारा पानी निकाल लेना, ठीक है। फिर जो है वो आपने फ्राई करना है। फ्राई आपने 5 से 7 मिनट तक करना है इसको। अभी हम इसको थोड़ा सा रखते हैं ताकि मसाले मिक्स हो जाए, फिर हम इसको निकालेंगे डिश में। ये हमारे करेले तैयार हो गए हैं जी, अब हम इसको डिश आउट करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे हैं। ये देखें जी हमारे मज़ेदार करेले जो है वो तैयार हो गए हैं।
गार्निश के लिए हमने सब्ज़ मिर्च, नींबू और ये आप देख सकते हैं। तो ये मेरी पहली रेसिपी है, मुझे बताइएगा कमेंट्स में कैसी आपको लगी। ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत मज़े की बनी है, कोई कड़वाड़ नहीं है करेलों में। तो ये कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा बना के कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें अपने जो है वो फैमिली मेम्बर्स के साथ इस डिश को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।